दादा, पुत्र जरा अंदर से मेरे दान तो ले आ। पोता, पर दादाजी अभी तो रोटी नहीं बनी। दादा, नहीं पुत्र रोटी नहीं खानी, सामने वाली बुढ़ी अम्मा को स्माइल देनी। अंग्रेज, क्या तुम्हें तैराकी आती है? पाकिस्तानी, मुझे तैराकी नहीं आती। अंग्रेज, फिर तुमसे तो मेरा कुत्ता भी अच्छा है कि वो तैर लेता है। पाकिस्तानी, क्या तुम्हें तैराकी आती है? अंग्रेज, हाँ आती है। पाकिस्तानी, फिर तुम्हारे में और कुत्ते में क्या फर्क हुआ? एक स्कूल में आग लगने की वजह से तमाम स्टूडेंट खुश थे कि कल से स्कूल में छुट्टियां होंगी। वहीं एक बच्चे को उदास देखकर टीचर ने पूछा, बेटा आपको खुशी नहीं हुई? बच्चा मासूमियत से बोला, सर आप तो बच गए ना। गाहक हजाम से, तुम लोगों को डरावने किससे क्यों सुनाते हो? हजाम, इसलिए कि बाल काटने में आसानी रहती है। गाहक हैरानगी से, हैं बाल काटने में आसानी रहती है? हजाम, हाँ ना, जब मैं उन्हें डरावने किससे सुनाता हूँ तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। बीवी के मेके जाने के बाद फैसलाबादी शोहर ने अपनी गर्लफ्रेंड को घर मिलने के लिए बुला लिया। बीवी के पालतू तोते ने देख लिया और शोहर से बोला, मैं मालकिन को बताऊंगा कि तुम पीछे से क्या करते हो। गर्लफ्रेंड के जाने के बाद शोहर ने एक काला कपड़ा तोते के पिंजरे पर डाल दिया और तेज पंखा चला दिया। एक टीन डब्बा लेकर इसको पीटने लगा और सेहन में देसी घी की चूरी बिखेर दी। कुछ दिन बाद जब बीवी वापस आई तो शोहर बोला, ये हमारे तोते का दिमाग कुछ खिसक गया लगता है, ऐसे ही ऊटपटांग बातें करता रहता है। बीवी जब तोते के पास गई तो तोते ने शोहर की गर्लफ्रेंड के बारे में उसको बताया। शोहर बोला, ये ऐसे ही बकवास कर रहा है। शोहर ने तोते से पूछा, अच्छा ये बताओ कब आई थी मेरी गर्लफ्रेंड? तोता, जिस दिन दोपहर को ही अंधेरा हो गया था, तेज आंधी तूफान आया था और देसी घी की चूरी की बारिश हुई थी। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक कीजिए हमारा पेज NTV उर्दू और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए।